नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कर्पूर के बारे में। कर्पूर के उपयोग और फायदों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का हमारे वीडियो पे स्वागत है तथा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए तथा वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कर्पूर के फायदों के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जानिए, आजकल मच्छर का प्रभाव काफी अत्यधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है। अगर आपको मच्छर तंग करते हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा कपूर आग में डाल दें और कपूर के जलने के बाद आप देखेंगे कि मच्छरों की संख्या खत्म हो गई, यानी मच्छर बिल्कुल गायब हो गए। कान में दर्द की समस्या होती है तो तुलसी के पत्तों के रस में कपूर घोलकर मामूली गर्म करके कान में डाल दें तो आप देखेंगे कि कान का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। खुजली की समस्या हो तो नारियल के तेल में कपूर को मिलाकर के उसे मालिश करें, आपका खुजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। उल्टी आ रही है तो आपको चाहिए कि पुदीने के अर्क में कपूर को थोड़ा सा मिला करके उसकी दो बूंद सेवन करें, आपको उल्टी की समस्या का समाधान हो जाएगा और उल्टी आना तुरंत बंद हो जाएगा। बालों में डैंड्रफ या रूसी की समस्या हो, जुए हो जाए तो आंवले के तेल में कर्पूर मिलाकर सिर में लगाने से सर बिल्कुल साफ हो जाएगा, जुए व खुजली होना सर में समाप्त हो जाएगी तथा डैंड्रफ आपका गायब हो जाएगा। कर्पूर की टिकिया रसोई में रख देने से अगर वहां पे मक्खियों का प्रकोप है तो मक्खियां बिल्कुल गायब हो जाएंगी। और अगर लालटेन या डिबरी के तेल में कर्पूर डाल देते हैं, यानी कि अगर दीपक का प्रयोग करते हैं या लालटेन डिबरी इत्यादि का आप प्रयोग करते हैं तो उसके तेल में अगर थोड़ी सी कपूर डाल देते हैं तो उसकी रोशनी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलने लगेगी। जीभ में छाले की समस्या हो जाने पर मामूली सा कपूर मुंह में रखकर इधर उधर घुमाएंगे तो कुछ ही समय में आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पेट में दर्द की अगर समस्या है तो जायफल और हल्दी के साथ मामूली सा कपूर मिलाकर गुनगुने पानी के साथ लें, आपको पेट का दर्द बिल्कुल गायब होता हुआ मालूम होगा और कुछ ही समय में आपको आराम मिल जाएगा। दांतों में कीड़ा लगने की अगर शिकायत हो तो आपको चाहिए कि रात में मामूली सा कपूर को मुंह में रखकर सोएं, आपके दांतों से कीड़ा बिल्कुल गायब हो जाएंगे। कपूर शरीर तथा दिमाग दोनों को दुरुस्त रखने में मददगार होता है। जोड़ों में दर्द, जलन तथा अन्य कई प्रकार की अगर स्वास्थ्य समस्या आपको है तो इसके लिए कपूर एक लाभकारी प्राकृतिक औषधि है। अवसाद या तनाव होने पर सिर पर कर्पूर के तेल की मालिश करना काफी लाभदायक होता है। इससे आपको मानसिक तौर पर राहत मिलेगी और तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा। सिर दर्द में भी यह तरीका काफी कारगर होता है। सर्दी, जुखाम और फेफड़े संबंधित रोगों में कर्पूर सूंघने से ही फायदा मिल जाता है। मार्केट में उपलब्ध विक्स, बाम जैसे कई प्रकार के ऐसे उत्पादों में कर्पूर का काफी महत्वपूर्ण मात्रा में उपयोग किया जाता है। बिच्छू काटने पर अगर कर्पूर को सिरके में मिलाकर दंश पर लगाते हैं तो बिच्छू का विष तुरंत ही उतर जाता है। नक्सीर फूटने या नाक से खून निकलने पर गुलाब जल में कपूर पीसकर नाक में लगाने से नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। आपको केवल दो बूंद आपको नाक में इसे टपका देना होता है और नाक से खून निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो रहा हमारा प्राकृतिक कर्पूर के ऊपर। आपसे निवेदन है कि आप प्राकृतिक कर्पूर का ही प्रयोग करें, मार्केट में उपलब्ध कोई केमिकल युक्त कर्पूर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।